प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से लॉकडाउन किया गया है। सारे संस्थानों को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मध्यान्ह भोजन के स्थान पर बच्चों को 40 दिनों का कच्चा भोजन दिया जाना था, परंतु बच्चों को दिए जाने वाले इस कच्चे भोजन में भी गुणवत्ता नहीं दिख रही है। यहां आपको बताते चले कि मामला माध्यमिक शाला पडवानिया का है, जहां बच्चों को गुणवत्ताविहीन दाल एवं चावल बांटा जा रहा है। मामले की जानकारी जब प्रशासन को मिली तो खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि बच्चों को बांटा जाने वाला खाद्यान्न गुणवत्ताविहीन था। खाद्यान्न के सैंपल ले लिए गए एवं पूरे मामले से जिला अधिकारी SN साहू को अवगत करा दिया गया है, परंतु अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा प्रधान पाठिका पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में प्रधान पाठिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जांच किए जाने पर दिए गए भोजन के पैकेटों को बदलकर उसकी जगह पर गुणवत्ता युक्त भोजन सामग्री तब तक दी जा चुकी थी। छत्तीसगढ़ से संवाददाता संतोष नामदेव की रिपोर्ट। शाला पडवानिया में बच्चों को गुणवत्ताहीन अनाज वितरित किया गया था, क्या कार्रवाई हुई सर इस पर? मेरे पास शिकायत प्राप्त हुई थी कि पडवानिया में खराब चावल एवं दाल का वितरण किया गया था। जैसे ही मेरे सूचना मिली, मैं तुरंत पकरिया CSE के साथ जाके रैंडमली 10 बच्चों के घर में जांच किया, तो जो है वहाँ 3 तारीख को जो वितरण किया गया था दाल चावल, घटिया क्वालिटी का था, जिसका जो है मेरे द्वारा छात्रों के घर से उसका नमूना कलेक्ट करके लाया गया था। और वहीं निर्देशित किया गया था कि जिन जिन बच्चों को खराब दाल चावल का वितरण किया गया है उन्हें तत्काल बदला जाए, और फिर उनको सौपास किया गया था। सौपास का जवाब प्राप्त हो गया है, मेरे द्वारा उच्च अधिकारी को कार्रवाई के लिए प्रेषित की गई है। सर, माध्यमिक शाला पडवानिया में बच्चों को अनाज के रूप में गुणवत्ताहीन सामान दिया जा रहा था, इसकी क्या जानकारी सर? 14 दिन अवकाश अवधि का शासन का निर्देश था कि सूखा 40 दिन के अवकाश अवधि का सूखा राशन देने का शासन का निर्देश था। सभी स्कूलों में 3 और 4 तारीख और परिस्थिति बस अधिक संख्या होने पर तारीख आगे भी बांटा जा सकता था, शासन का ऐसा निर्देश था। पडवानिया में मुझे जानकारी लगी, मेरे द्वारा जाने पर वहाँ पर ज़रूर ये बताएं कि प्रथम दिन कुछ लोगों को खराब दाल और चावल वितरित किए गए थे। जैसे ही DO गौरेला को शिकायत की गई, तुरंत सबके उनके पुराने जो दिए हुए खराब को बदल करके सभी के घर में अच्छी क्वालिटी के दाल और चावल वितरित किए गए हैं। मुझे जब जानकारी लगी 5 तारीख को, तो मेरे द्वारा भी वहाँ जा कर के देखा गया तो सबके जगह घर में तो ऐसी स्थिति में तो कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाएगी सर, क्योंकि जब सामान बदला जा चुका है। इसके इस संबंध में DO गौरेला द्वारा स्पष्टीकरण प्रधान पाठक से चाहा गया था जी, और क्या जानकारी है वो अभी मैं नहीं बता पाऊँगा। थैंक यू सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.